हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है संजीना मीना ऑफिशियल चैनल में। मैं आपकी प्यारी संजीना मीना, मैं आप लोगों के लिए फिर वीडियो लेके आई हूँ, जैसे हमेशा लेके आती रहती हूँ। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमारी बहुत बुरी हालत हो चुकी है और किस टॉपिक पे है और क्या है वो तो आप लोग वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे चैनल को क्या करना है आप लोगों को बताइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ओके बाय बाय। इधर पहले अभी ऊपर कपड़े गलाने के लिए आए हैं, फिर थोड़ी धूप आएगी तो हम कपड़े धो देंगे और अभी दिखाएंगे आपको वीडियो में कि हम क्या क्या करने वाले हैं आज के दिन। ये मेरी बड़ी जीजी हैं, आज घर में हो रही है साफ सफाई तो वो जाली छुड़ा रही है, आप लोग देख ही रहे हो। और आगे भी आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि आज साफ सफाई क्यों कर रहे होंगे आप लोग जानना चाहते हो तो मैं बताती हूँ। आने वाले हैं फिर इसकी पूरी सफाई करेंगे अच्छी तरह। और आगे आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, पूरी वॉच करिए वीडियो को, जैसे आपको पता चलेगा किस रीज़न की वजह से आज हमारे घर में सफाई। फ्रेंड्स, आप लोग सोच ही रहे होंगे कि आज साफ सफाई क्यों कर रही हूँ, तो मैं उसका रीज़न आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आज के दिन साफ़ सफ़ाई क्यों कर रही हूँ। आप लोगों को ने जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें हमने बताया था कि हमारे घर में आया है नन्ना सा बाबू, तो इस वजह से हम निकाल रहे हैं सोड़ जो 5 दिन की निकलती है। तो हमारी जो बाबू है वो थोड़ा लेट आया है हॉस्पिटल से, क्योंकि उसकी मम्मी का ऑपरेशन से हुआ है तो उसकी मम्मी को ज़्यादा दिन रखा है। ऐसे नॉर्मली तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखते, पर उनका ऑपरेशन से हुआ है नन्ना सा बाबू, तो इस वजह से उनको 4-5 दिन वहीं रहना पड़ा। इस वजह से हर चीज़ हमने लेट की है और आज हम निकाल रहे हैं सोड़, इसलिए हम पूरे घर की साफ़ सफ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग वीडियो में बने हुए हो कि पूरे घर की साफ़ सफ़ाई जिस दिन सोड़ होती है उस दिन निकाली जाती है। और आगे भी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैंने आज के दिन क्या क्या किया था। तो आप लोग कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने पिछली बार भी आप लोगों से पूछा था कि हमारे नन्नू बाबू का नाम क्या रखे, तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नाम बताए थे, तो उनको दिल से थैंक यू। आप लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमेशा, मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिए, जिससे मेरे को भी बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, आपको रिप्लाई देकर। तो आज हम जितने भी हुआ है, और ये जो बर्तन है मैं धो रही हूँ राख से, आप लोग देख ही रहे होंगे, इससे बर्तन चमक जाते हैं, इस वजह से राख से बर्तन धोने पड़ते हैं जिससे चमक जाए। तो आज हमने की है पूरे घर के जितने भी कपड़े हैं, जितने भी बर्तन हैं, सब चीज़ की साफ़ सफाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे भी देखते रहिए। चूल्हे में जो मांझनी होती है वो है, इससे बहुत क्लीन मतलब बिल्कुल सुंदर सुंदर ऐसे नए हैं वैसे बर्तन हो जाते हैं धोने से। तो ये मैंने एक दो धोए भी हैं, आपको दिखा होगा, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं मांझनी, और थोड़ा सा इसके अंदर अपन सरफ डाल देंगे तो ये देखिए मैं उससे ही रगड़ रही हूँ। अब इसमें सामान है जो हम अंदर से तो धो नहीं पा रहे, खाली हुए जब अंदर से भी धो देते हैं तो अभी बाहर बाहर से धो रहे हैं। और आप लोग सोचोगे आज हम सफाई क्यों कर रहे हैं, तो वो भी मैं बता देती हूँ। आज सफाई इसलिए कर रहे हैं कि मैंने आपसे इससे पहले एक वीडियो डाली थी कि हमारे घर में छोटा सा बाबू आया है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो जो मैं डाल रही हूँ ये इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में आज सोड़ निकाल रहे हैं। वो टाइम भी वो वीडियो भी थोड़ा मैंने लेट डाली थी, उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, इसलिए क्योंकि हमारा छोटा बाबू बहुत परेशानी से आया है, क्योंकि ऑपरेशन से, नॉर्मल डिलीवरी नहीं ऑपरेशन से हुआ है, तो डॉक्टर उन्हें उसको बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रखा था, तो इस वजह से हमने वीडियो नहीं बनाई। और आज सोड़ भी ऐसे 5 दिन की निकालते हैं, पर पंडित से पूछा है तो उन्होंने 10 दिन की बोली थी, तो आज मंगलवार है तो आज हम ये सोड निकाल रहे हैं, तो इसलिए मेरी सारी वीडियो थोड़ा लेट डल रही है, उसके लिए माफ़ करना। अपन वीडियो मैं पूरी अपलोड करूँगी जो जो हमारे घर में हो रहा है। और ये मांझनी से मैंने बताया है बर्तन धो रहा है, पूरी क्लीन होगा डेट भी बताया, और इस वजह से थोड़ा लेट हो गई मेरी वीडियो।
और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मिलेगी, तो इसलिए आज फूड निकाल रहे हैं। इस वजह से मेरे बर्तन बर्तन सारे क्लीन कर रहे हैं हम, और कपड़े सारे जितने भी है सब चीज़ धोते हैं, तो इस वजह से। और आप लोग वीडियो में बने रहिए आगे तक, मतलब जितने भी बर्तन हैं आप लोग देख रहे हो मैंने अच्छे तरीके से दिया। अब मैं स्लीप साफ़ करके इन बर्तनों को जमाऊंगी। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, सब ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है हर चीज़ आपके साथ शेयर करना, कि मैं डेली रूटीन में या मतलब मैं कब कहाँ जाती हूँ, क्या ड्रेस पहनती हूँ, आप लोगों को सब मुझे बताना बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ हर बार शेयर कर सकती हूँ। और मुझे ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा। तो फ्रेंड्स आप लोग बस वीडियो में आगे तक बने रहिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स आप लोग वीडियो देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या कर रहे हो? किससे? रोज सफाई नहीं करते क्या आप लोग? इतनी गंदगी हो रही है। ये बर्तन किसके हैं? कांच के हैं? किसके हैं? सबके हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, दो इतने अच्छे दिए ना, लग रहे हैं कांच के हो। हेलो तन्वी किचन ऑफिशियल, आपका चैनल यूट्यूब पे किस पे? YouTube पे होता चैनल नहीं, कहीं कहीं किसी की दीवार पे हो। और मेरे चैनल पे भी चल जाएगा, तन्वी किचन चैनल का नाम है। तो खाना जिस किसी को देखना पसंद हो तो उस पे जाके देख सकते हो। और जूस, और जूस के बारे में बताती हूँ किस किस को पीना चाहिए किस को नहीं पीना चाहिए, वो भी वीडियो डाल रखी है। और यह है मेरी देवरानी, तो इसके चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फटाफट से। पानी नहीं आ रहा, ले लिया बड़ी मम्मी को।